हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। दोस्तों, आज की वीडियो लैंग्वेज के बारे में होगी। आज की इस वीडियो में हम लैंग्वेज से रिलेटेड तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ द लैंग्वेज इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज फंक्शन एंड द थर्ड वन इज़ इट्स प्रॉपर्टीज़। तो शुरू करते हैं दोस्तों। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। हैव यू एवर वंडर कि विच थिंग distinguishes humans from animals? Obviously, it's a language. Humans and animals, दोनों के पास feelings होती हैं, दोनों खाते हैं, पीते हैं, लेकिन language सिर्फ और सिर्फ humans के पास होती है जो इनको animals से distinguish करती है। दोस्तों, अब आपके mind में एक सवाल आ रहा होगा कि animals भी तो sound produce करते हैं। तो दोस्तों, याद रहे कि सिर्फ sound produce करने को language नहीं कहते। दोस्तों, language कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का एक सिस्टमेटिक ज़रिया है, जिसमें हम साउंड्स प्रोड्यूस करने के साथ साथ सैम्पल्स भी यूज़ करते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने मैसेजेस दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास साउंड्स और सैम्पल्स होने चाहिए। हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो बोली जाती है, यानी कि हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको बोलना भी ज़रूरी है और उसके सैम्पल्स भी होने चाहिए, और वो यानी वो लैंग्वेज लिखी भी जा सके। दोस्तों, लैंग्वेज ह्यूमंस में जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होती है, यानी कि हर इंसान के पास लैंग्वेज सिस्टम शुरू से होता है, यानी कि जब उसकी बर्थ होती है तो उसके पास लैंग्वेज सिस्टम होता है, लेकिन जैसे जैसे उसे इन्वायरमेंटल एक्सपोजर मिलता है तो वो लैंग्वेज सिस्टम डिवेल्प होता जाता है। यानी कि वो जो एक बेबी होता है, वो जैसे ही उसे इन्वायरमेंटल एक्सपोजर मिलता है तो वो लैंग्वेज सीखता जाता है। अब दोस्तों, एक सिपायर, एक फेमस लिंग्विस्ट थे, वो कहते हैं कि language is purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily produced symbols. दोस्तों, ये definition Sapir ने दी थी। इस definition की first line को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि language सिर्फ human ability है जो कि animals के पास नहीं है। language non-instinctive method है। जी हाँ दोस्तों, अब non-instinctive का मतलब आप ये समझ लें कि लैंग्वेज हमें विरासत में नहीं मिली। इट्स नॉट अ हेरिडिटी ब्लेसिंग, रादर इट इज़ अक्वायर्ड फ्रॉम आवर सराउंडिंग। ये वही बात दोस्तों जो मैंने आपसे पहले कही कि इन्वायरमेंटल एक्सपोजर मिलता है तो हम लैंग्वेज को अक्वायर करते हैं। इसकी एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को हम ऐसे इन्वायरमेंट में रखें जहाँ इंग्लिश बोली जा रही हो लेकिन उसकी फैमिली जो है वो उर्दू स्पीकिंग हो, लेकिन अब जो वो एक बेबी है, बच्चा है, उसे हम उसके साथ हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको जो इन्वायरमेंट मिल रहा है वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो वो बच्चा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को अक्वायर करेगा। दोस्तों, आगे से पायर कहते हैं कि वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड साउंड्स। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमंस अपने आइडियाज़, अपनी डिज़ायर्स को कम्युनिकेट करने के लिए खुद उस लैंग्वेज को, यानी कि वॉलंटरली उस लैंग्वेज के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लैंग्वेज के फंक्शंस को देखेंगे। लैंग्वेज तमाम ह्यूमन अफेयर्स को डील करती है। लैंग्वेज ह्यूमंस की डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों, हम रोज़ाना स्टोर्स पर जाते हैं, सामान खरीदते हैं, ऑफिस के बॉस के साथ बिजनेस प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, ये सब काम हम लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। लैंग्वेज की मदद से हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। दोस्तों, लैंग्वेज ह्यूमन लाइफ का एक मेन इंग्रेडिएंट है। इट्स अ थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़। दोस्तों, इट इज़ सेड दैट इट्स अ मेन व्हीकल ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। अगर लैंग्वेज के साउंड और सैम्पल्स ना होते तो हम अपनी बातें दूसरों तक ना पहुँचा सकते, तो हम इंटरेक्ट ही ना कर सकते। अब फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जॉफरी चौसर एक फेमस लिंग्विस्ट थे जिन्होंने लैंग्वेज के टोटल 5 फंक्शंस के बारे में बताया है। तो हम फर्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर हम इसको इंफॉर्मेटिव फंक्शन भी कह सकते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, यूजुअली फ्रॉम सोर्स टू अ रिसीवर। लैंग्वेज के थ्रू हम अपने मैसेजेस कन्वे करते हैं। हम अपने कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीव्स को जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं, या तो हम स्पोकन फॉर्म में करते हैं या फिर रिटन फॉर्म में लैंग्वेज जो है वो जनरेशन टू जनरेशन
पास होती रहती है। अब दोस्तों लैंग्वेज का दूसरा फंक्शन जो है वो है ट्रांसमिशन ऑफ एक्सप्रेशंस या फिर एक्सप्रेसिव फंक्शन। तो दोस्तों लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। लैंग्वेज में बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ एक्सप्रेसिव होते हैं, वो कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल एवरी टाइम वी से अ फ्रेज आई लव दिस मूवी सो मच, सो वी डोंट गिव अ लिसनर एनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सब्जेक्ट, वी ओनली एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स अबाउट इट। हम सिर्फ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं उस मूवी के बारे में, तो ये लैंग्वेज का जो है वो एक्सप्रेसिव फंक्शन हो जाता है। थर्ड फंक्शन है डायरेक्टिव फंक्शन। दोस्तों इसमें हम कमांड्स, ऑर्डर्स या रिक्वेस्ट करने के लिए लैंग्वेज के इस फंक्शन को यूज़ करते हैं, और यूजुअली हम इसमें लिसनर का रिएक्शन नोट कर रहे होते हैं कि जो हमारी हम लोगों ने कमांड की है या रिक्वेस्ट की है उससे अगले बंदे पर क्या असर हो रहा है। इसके बाद है फोर्थ फंक्शन, दैट इज़ द एस्थेटिक फंक्शन। दोस्तों जॉफ्री लीच कहते हैं कि दिस फंक्शन डजंट हैव एनी पर्टिकुलर पर्पस। दोस्तों लैंग्वेज को हम पोइट्री करने के लिए भी यूज़ करते हैं। लैंग्वेज में हम ऐसे वर्ड्स चूज़ करते हैं जो हमारे मैसेज को जो हम पोइट्री के थ्रू प्रोपगेट करना चाह रहे होते हैं, वो वर्ड्स सिर्फ उस मैसेज को ब्यूटिफाई कर रहे होते हैं और हमारे जो रीडर्स होते हैं उनको एस्थेटिक फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जाती है। एंड द लास्ट फंक्शन इज़ द फैटिक फंक्शन। दोस्तों फैटिक फंक्शन जो है वो लैंग्वेज का इस फंक्शन में ये होता है कि हम लोग सोशल रिलेशन मेंटेन करने के लिए इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम स्ट्रेंजर्स के साथ मिल रहे होते हैं, कभी स्ट्रीट में मिल जाता है कोई स्ट्रेंजर, तो हम फॉर्मेलिटी यानी कि पूरी करने के लिए हम उनके साथ एक फॉर्मल सी कन्वर्सेशन कर लेते हैं, या हम वेदर के बारे में उनसे पूछ लेते हैं, या ऐसे ही हाल चाल पूछ लेते हैं कि भाई आप कैसे हैं, आपका कारोबार कैसे चल रहा है, ये वो। यानी कि आप एक सोशल रिलेशन को जब मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप लैंग्वेज का फैटिक फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज। तो दोस्तों देयर आर मेनली सिक्स प्रॉपर्टीज़ दैट मेक द ह्यूमन लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स। तो इसी बुनियाद पर जो हम अब सिक्स प्रॉपर्टीज़ इसकी लैंग्वेज की डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी बुनियाद पर हम लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज को एनिमल लैंग्वेज से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट वन है रिफ्लेक्सिविटी। तो सो दिस प्रॉपर्टी अकाउंट्स फॉर द फैक्ट दैट वी कैन यूज़ लैंग्वेज टू थिंक अबाउट लैंग्वेज इट्सेल्फ। यानी कि हम लैंग्वेज को जब लैंग्वेज के बारे में बात करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो वो उसका रिफ्लेक्टिव फंक्शन होता है जो सिर्फ इंसानों के पास ही होता है। एनिमल्स अपनी लैंग्वेज को डिस्कस नहीं कर रहे होते, उनको नहीं पता होता कि हम अपनी लैंग्वेज को यानी कि डिवेलप किस तरह कर सकते हैं। ये सिर्फ ह्यूमंस की करेक्टरिस्टिक है कि वो अपनी लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं उसमें कि कैसे डिवेलपमेंट लानी है या कैसे डिवेलपमेंट हो रही है। तो उस जैसे हम डायक्रॉनिक और सिंक्रॉनिक स्टडी करते हैं लैंग्वेज की, उसमें हमें पता चलता है कि किस पीरियड में किस स्पेसिफिक टाइम में लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स ऐड हुए हैं या क्या हमने बोरोइंग की है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है लैंग्वेज की। उसके बाद होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लैंग्वेज की ये प्रॉपर्टी है जो हमें उन चीज़ों या उन इवेंट्स के बारे में बात करने के काबिल बनाती है जो उस वक्त प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि जो हमारे सामने मौजूद नहीं होती चीज़ें हम उनके बारे में बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है जो सिर्फ ह्यूमंस के पास ही होती है। जैसे हम पास्ट की बात कर लेते हैं या फ्यूचर के बारे में हम प्लान्स करते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है आर्बिट्रेरीनेस। ये प्रॉपर्टी बताती है कि देयर इज़ नो नेचुरल और नो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द लिंग्विस्टिक साइंस एंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये कि हम ऑब्जेक्ट्स को जो नाम दे रहे होते हैं उनका कोई ऑब्जेक्ट्स की इमेज के साथ यानी कि कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज़ को ग्लास कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न नहीं दे सकते कि हम इसको ग्लास क्यों कह रहे हैं। तो ये होता है लैंग्वेज में आर्बिट्रेरीनेस। एक टेबल है, हम उसको टेबल कह रहे हैं तो उसके पीछे हम कोई रीज़न नहीं दे सकते। बस ये होता है कि हम लोगों ने चीज़ों के नाम फिक्स कर दिए होते हैं और हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता।
200 नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से आपको क्लियर हो रहा होगा कि न्यू चीज़ को प्रोड्यूस करना या क्रिएट करना। 200 ये एबिलिटी भी सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज में पाई जाती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ न्यू वर्ड्स और नॉवल अटरेंसेस ऐड हो रही हैं हमारी लैंग्वेज में। 200 इसको हम क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं या फिर ओपन एंडेडनेस भी कह सकते हैं, यानी कि जिसका कोई एंड ना हो। अब हमारी लैंग्वेज जो है, हम सिंक्रोनिक या डाइक्रोनिक स्टडीज़ जैसे मैंने पहले बताया आपको उसमें पढ़ते हैं, तो हमारी लैंग्वेज में किस तरह डेवलपमेंट आ रही है डे टू डे, न्यू वर्ड्स ऐड हो रहे हैं। तो यानी कि जो लैंग्वेज में एडिशंस होती हैं, एक्सप्रेशंस ऐड होती हैं, वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी होती है लैंग्वेज में। ये उसकी प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पर आता है वो है कल्चरल ट्रांसमिशन। दोस्तों, कल्चरल ट्रांसमिशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अ प्रोसेस वेयर बाय अ लैंग्वेज इज़ पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि जो जो हमारी लैंग्वेज होती है ना, वो किस तरह पास हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये भी सिर्फ ह्यूमंस की ही प्रॉपर्टी है, ह्यूमंस की ही करेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन लैंग्वेज के वो आगे से आगे प्रोसीड करती जा रही है जनरेशन टू जनरेशन। उसके बाद दोस्तों, जो नंबर लास्ट प्रॉपर्टी है वो है ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्न। ये थोड़ा आपको गौर से समझना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी लैंग्वेज में हम कुछ इंडिविजुअल साउंड्स जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे हमारी अल्फ़ाबेट है, कैपिटल या स्मॉल लेटर्स हम ले लें। फॉर एग्जांपल, आई से NBI। ये इंडिविजुअल वर्ड्स जो हैं, जब हम इनको इंडिविजुअली पढ़ते हैं तो ये कोई मीनिंग नहीं दे रहे होते। एन एन मीन्स एन, बी मीन्स बी, एंड आई मीन्स आई। लेकिन ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्न का मतलब ये है कि हम इन इंडिविजुअल लेटर्स को आगे पीछे करके, इनकी तरतीब चेंज करके हम इनसे न्यू साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये लैंग्वेज की एक करेक्टरिस्टिक है जो हमें अनेबल करती है कि हम न्यू वर्ड्स प्रोड्यूस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इंडिविजुअल लेटर्स बता रही हूँ कि NBI। जब हम इनको, इनकी तरतीब आगे, इनकी सीक्वेंस आगे पीछे करेंगे तो इनसे न्यू वर्ड्स बन जाएंगे, जैसे कि NIBNIB एंड BIN बिन। तो इस तरह ये जो है, हमें लैंग्वेज जो है वो ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्न्स यानी कि न्यू वर्ड्स बनाने के लिए अनेबल करती है। तो दोस्तों, ये थी लैंग्वेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके फंक्शंस एंड उसकी प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।